अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं भी ठीक हूं। कतर से पाकिस्तान वापस आ गई हूं। मैं 2 दिन रेस्ट किया है और इसके बाद मैंने कहा कि साग खाने को दिल चाह रहा है तो साग मंगवा के तो मैं पकाती हूँ। तो फिर मैंने अपने अपनी बहू के मैके वालों को कहा है, फोन किया उनको कि मुझे जमीनों से साग भेजे। तो उन्होंने माशाल्लाह से इतना ज्यादा साग, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने जमीनों से साग मंगवाया है, देसी सरसों का साग और पालक है। तो ये मेरी बहू के मायके वालों ने भेजा है साग, और वो इसको अब हम काटेंगे। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ के अपने बागों के अमरूद हैं, ये देखें माशाल्लाह से। अभी अभी उन्होंने दरख्तों से तोड़े हैं और अभी हमें बेच दिए हैं, और माशाल्लाह से कितने ज्यादा हैं। अब ये मैं बांटूंगी, जिस जिसको भेजने हैं, बहन भाइयों को उसको भेजूंगी। ये देखें फ्रेश हैं अभी, और 1-2 दिन ये ऐसे भी पड़े रहेंगे तो खराब नहीं होंगे, क्योंकि अभी दरख्तों से ये तोड़े गए हैं। ये देखें दरख्तों से ये तोड़ के, ये देखें अभी पत्ते भी साथ, ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं अमरूद। ये देखें, और ये देखे साथ शलजम है, ये भी हमारे घर में बहुत ज़्यादा पसंद करके बनाए जाते हैं। और ये देखें साथ ऑरेंज है पाकिस्तान के, मीठे मीठे किन्नू। ये देखें अब ये सरसों का साग, और इसको मैं अब चीरूंगी पकाऊंगी, और साथ मकई की रोटी जो मुझे बहुत पसंद है, जो पाकिस्तान का कल्चर है और मुझे बहुत पसंद है। बांट रही हूँ, अब सारा ये काटूंगी, इसके बाद पालक काटूंगी, फिर बाथू है, बाथू काटूंगी। काटने के बाद इसको धोऊंगी, धो के फिर इसको चढ़ाऊंगी ऊपर पकने के लिए। पहले ये बारीक बारीक इसको काट रही हूँ मैं। अब ये इसको काट रही हूँ बारीक बारीक। ये साग मैंने धो के तसले में रख दिया है। अब इसके नीचे से जो ना आहिस्ता आग कर दूंगी, आहिस्ता आहिस्ता ये पकता रहेगा। साग मैंने धो के इसमें रख दिया है, अब इसके नीचे से हल्की आग कर दूंगी और ये आहिस्ता आहिस्ता पकता रहेगा। ये साग हमने हल्की आंच पे रखा हुआ था और ये पक रहा है। और इसमें ना हरी मिर्चें मैंने ना ब्लेंड करके डाली हैं, और नमक डाला है, और हल्की आंच पे रखा हुआ है कि आहिस्ता आहिस्ता पकता रहे। साग हमारा पक गया, अब घोटने से अच्छी तरीके से इसको घोटेंगे। साग हमारा पक गया था, अब वो तसले में से ना मैंने थोड़ा सा साग निकाल लिया है इसको तड़का लगाने के लिए, और इसको ये देखे ये घोटना है, इस घोटने के साथ इसको घोटूंगी इस तरह। घोटने के बाद इसको इस तरह घोट के सारा साग, और इसके बाद फिर मैं तड़का लगाऊंगी। साग हमारा पक गया था, उसको फिर घोटने से घोटा है सारे सारा। घोटने के बाद ये अब तड़का लगाने लगे हैं, जो ना हम तो अदरक और लहसुन का तड़का लगाते होते हैं। ये मैंने इसमें मक्खन डाला है देचकी में, और इसको पिंक करूंगी लाइट लाइट लहसुन को। ये देखे साग मैंने ना देचकी में घोट के रखा हुआ है, तो अब ये तसले में तड़का लगाने लगी हूँ। इसमें मक्खन डाला है मैंने और ये लहसुन डाला है। अब इसके बाद जरा पिंक होगा तो
तो इसमें मैं डालूंगी अदरक, ये अदरक अदरक डाल दिया इसमें, थोड़ा सा इसको फ्राई करूंगी। ये हमारा पिंक हो गया, अब इसमें हम साग डालते हैं। मिक्स करते हैं इसे। मक्खन कम लग रहा है, थोड़ा सा मक्खन और डाल देते हैं इसमें। चलो अब इसको मिक्स करेंगे। अब थोड़ी देर इसको पकाएंगे कि इसमें जो थोड़ा सा पानी रह गया वो सारा थोड़ा सा खुश्क हो जाए। इसके बाद फिर चाहे मकई की रोटी हो और सादी रोटी हो उसके साथ इसको बना के वो खाएंगे। और बहुत ही मजेदार टेस्टी साग सरसों का, देसी सरसों का, सरसों का देसी सरसों का साग और ये देसी घी के पराठे साथ, बहुत ही मजेदार, बहुत ही मजेदार। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।